आई वॉज चेकिंग द रिकॉर्ड्स, 10,114 रजिस्ट्रेशन. आई एम डॉक्टर शीबा इनायत, डिप्टी डायरेक्टर employment, Srinagar. Today we have conducted a mega job fair, union territory level job fair, which has been conducted by employment department. And here a main motto is to, that provide a platform between job providers and job seekers. We have invited more than 130 companies which are here. You can see here we have an overwhelming response. We have got more than 7,000 vacancies in different sectors, and we youth here can get platform to interact with the companies who can shortlist them for the second round of interviews also. And we have also got the line departments who provide us self-employment schemes for self-employment. हमें इस वक्त मोर देन 10,000 रजिस्ट्रेशन आई है. आई वॉज चेकिंग द रिकॉर्ड, 10,114 रजिस्ट्रेशन हैव बीन डन सो फार. हमारे लोगों, हमने जॉब फेयर्स बहुत सारे करे हैं, ऑन स्पॉट प्लेसमेंट्स भी होती है. मोर देन 1,000 कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने फिर मतलब फिर सेकेंड राउंड में एंड थर्ड राउंड में जो हमारे फिर डिफरेंट कंपनीज ने रिक्रूट भी किया है. जी हाँ, यहाँ पे हमें सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया है जो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट एक जो जॉब सीकर है अगर वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वो एक जॉब प्रोवाइडर भी बन सकता है, वो अपने साथ और लोगों को भी ले जा सकता है, उनको भी जॉब प्रोवाइड कर सकता है. इसके लिए आप मतलब कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, दो की एजुकेशन बहुत है, एजुकेशन हर कोई बहुत मतलब हर किसी ने बहुत पढ़ा है, बट गवर्नमेंट जॉब्स में एजुकेशन मिलना या सॉरी गवर्नमेंट जॉब्स में जब हम जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. तो इसी मकसद से मैं यहाँ आया कि यहाँ पे भी जॉब प्रोवाइड हो जाए हमें. ये डिपेंड करता है कि अब मेले तो जनरेट हो गए कि जॉब प्रोवाइड होंगे कि नहीं. अगर ये जॉब प्रोवाइड होंगे तो दैट्स अ गुड स्टेप कि अगर इस हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, वो बहुत बड़ी बात है. बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स कि क्या होता है क्या नहीं होता है. ऑर्गेनाइज होने चाहिए, इससे क्या हो जाता है कि मॉरल बूस्ट भी होता है इंसान ने. अगर ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई भी बहुत ने बहुत सारी डिग्रियाँ की हुई है वो की होती है, तो अब अगर उसके लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है कि एग्जाम एंड यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई एग्जाम और एनी अदर थिंग, यू फील डिप्रेस्ड और समथिंग लाइक दैट. इस प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि आपको थोड़ा होप मिलता है कि यू स्टैंड समवेयर. इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड मोर देन 15 और 20 इयर्स इन स्टडीज, यू आर समवेयर स्टैंडिंग. दैट डिपेंड्स ऑन द देन इफ द जॉब इज प्रोवाइड यू आर नॉट, बट वैन यू कम इन दिस एटमोसफेयर यू फील समथिंग दैट यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इलिटरेट और समथिंग लाइक दैट. बहुत सारी कंपनीज की जॉब अकोमोडेट हो सकता है ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेक. इसके लिए क्या है कि एक अल्टरनेटिव्स भी है, तो वो अल्टरनेटिव्स हमने देखे हैं, दो किस्म के अल्टरनेटिव्स हैं. नंबर एक ही प्राइवेट कंपनी जो भी है, प्राइवेट सेक्टर जो भी है, उसमें अकोमोडेट करने की उसमें कोशिश करने की. और दूसरा एक अल्टरनेटिव है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है तो उसके बारे में. तो यहाँ हमारा एक मकसद होता है, नंबर वन दो तीन चीज़ चार पांच पर्पसेस हमारे इमीडिएटली पर्पसेस हैं. नंबर एक पर्पस ये है कि हम प्लेटफॉर्म देते हैं जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर को. जो हमारे आप देखेंगे जितनी कंपनीज हैं, हमने यहाँ जो कल तक देखा था 120 कंपनीज ने हमारे साथ एनलिस्ट किया था कि हम यहाँ आएंगे, और 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हाईलाइट की थी जो हमने बोर्डों पर भी लिखाई है आफ्टर गेटिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम देम. तो अभी आपने देखा भी होगा, मैं अभी आगे नहीं गया कितनी एग्जैक्टली कंपनी आ गई हैं, बट इट विल बी मोर देन 100 कंपनी जो ऑलरेडी आई होंगी. दूसरा कि हमारे साथ जो हमने जब बच्चों के साथ एक गूगल लिंक शेयर की थी, उसमें हमारे साथ 10,000 से प्लस रेस्पॉन्सेज आ गए, रजिस्ट्रेशन आ गए. फिजिकल भी हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे. एक मकसद हमारा था ये कि हम एक प्लेटफॉर्म दे दें जॉब प्रोवाइडर एंड जॉब सीकर को, अदरवाइज ना बच्चे को पता होता कि हम कहाँ जाए, किससे मिले, किससे बात करें. और दूसरा एक जॉब प्रोवाइडर को भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम नहीं मिलती है, क्वालिफाइड बच्चे नहीं मिलते हैं कि बिकॉज दे कैन नॉट रीच टू एवरी पर्सन. नंबर एक मकसद ये है. दूसरा हमारा यही जो मैंने कहा कि हम यहाँ काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों को. यहाँ आपने देखा ये व्हाट डेस्क करके कि आपको काउंसलिंग, फॉर एग्जांपल जो पढ़ने वाला है किस कोर्स में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. दूसरा ये भी जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी हमारा एक पर्पज होता है सब इसमें बहुत पर्पज की, जो 16 डिपार्टमेंट हमारे J&K गवर्नमेंट में यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं. आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आए होंगे, वो भी यहाँ अपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी
अपनी स्कीम हाईलाइट करें। और हमने भी अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर कंपेंडियम रखे हैं कि कौन कौन सी स्कीम है, क्या एलिजिबिलिटी है, ताकि हम कोशिश करते हैं बच्चे इन तरफ अल्टरनेटिव्स की तरफ रागिब हो जाए। तीसरा हमारा एक पर्पज़ ये भी है कि हम इनमें बच्चों को रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करने से क्या फ़ायदा है कि हमारा जो पोर्टल है इस वक्त NCS पोर्टल, नेशनल करियर सेंटर पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड है। उस पोर्टल पर आप हैरान होंगे, हमारे पोर्टल पर भी 600 से प्लस ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन उस पोर्टल पर 23.64 लाख से ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ उस पर 800 ऐसे काउंसलर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं। तीसरा, उसमें रेगुलरली ऑनलाइन जॉब फेयर्स हो जाते हैं पूरे इंडिया में। इसी तरह से वुमेन सेंट्रिक अपना सेंटर एक है, मतलब कोशिश करते हैं बच्चों को अल्टरनेटिव्स देने की, उजागर करने की, मोटिवेट करने की। और एक लास्ट एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा ये पर्पज़ भी एक होता है कि फाइंड आउट स्किल गैप। अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आज 7,000 से वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे भी है, लेकिन फिर हम जाते हैं जहाँ उनका प्लेसमेंट बहुत कम हो जाती है, हम फिर उस पर इनके साथ जो कंपनीज आती हैं इनके साथ बात करते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वर्चुअली स्किल की कमी जो है वो किस फील्ड में है, कहाँ से है, ताकि हम आगे जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंसर्न उनको भी रिकमेंड करें। और मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ कि इस साल पहली बार हमने 25-25 लड़के पर डिस्ट्रिक्ट, 20 डिस्ट्रिक्ट के 500 लड़के ट्रेन किए इन डिफरेंट कोर्सेज। पर सिरगर में हमने IHM के थ्रू होटल मैनेजमेंट में जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसमें ट्रेन कराए, बड़गाम के भी 25 लड़के ऐसे कराए, बारामूला में हमने जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें रिपेयर व्हीकल जो नया कॉन्सेप्ट है उनको ट्रेन वहाँ कराए। इसी तरह से पुलवामा में हमने IUST के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ट्रेनिंग कराई। मतलब हमने कोशिश की जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जिसकी डिमांड है और फिर अवेलेबिलिटी है वहाँ ट्रेनिंग दिलाने की, तो वो कोशिश हम कर रहे हैं स्किल गैप फाइंड आउट करने की, ताकि हम बच्चों को एक पूरा मोटिव। किसी को हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या कहीं और IAS के लिए या कोई इसमें कोचिंग करने की जरूरत, कोचिंग करते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन जब तक आपको वो अल्टरनेटिव मिलेगा तब तक आप सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करो बाय अडॉप्टिंग द प्राइवेट सेक्टर और बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर। सर, कितनी इंटरनेशनल बेसिकली ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है, 4 ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है अल या फिर पहले ही है, जो उनका काम ही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर ही पोस्टिंग करते हैं, इंटर लेवल पर ही पोस्ट प्लेसमेंट्स करते हैं। तो 4 हमने यहाँ की है इस वक्त, तो अभी 4 ही इसमें है, बट कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज लाएंगे।